नमस्कार दोस्तों, A3 हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है धर्मेश और आज है मेरे पास गैलेक्सी 8 प्लस और गैलेक्सी A7 2018 चार्जिंग टेस्ट के लिए। गैलेक्सी A7 2018 फास्ट चार्जिंग के साथ नहीं आता है, तो वहीं गैलेक्सी 8 प्लस में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। बैटरी एमएएच की बात करें तो A7 2018 में आपको मिलती है 3300 एमएएच की बैटरी, तो वहीं 8 प्लस में आपको मिलती है 3500 एमएएच की बैटरी। बात करें अगर एडेप्टर की तो A7 2018 में आपको मिलता है 5 वोल्ट एंड 1.55 एम्पीयर का एक एडेप्टर, इसके अलावा USB टू माइक्रो USB केबल। तो वहीं गैलेक्सी 8 प्लस में आपको मिलता है 5 वोल्ट एंड 2 एम्पीयर का एक फास्ट चार्जर, इसके अलावा टाइप सी केबल, USB टू टाइप सी केबल। तो ये सारी चीज़ें थी इनके स्पेसिफिकेशंस और एसेसरीज के बारे में। अब चलिए शुरुआत करते हैं अपने चार्जिंग टेस्ट की। तो 100 मिनट के बाद गैलेक्सी 8 प्लस हो चुका है फुल चार्ज, तो वहीं गैलेक्सी A7 2018 है अभी 81% पर। तो देखते हैं अभी कितना समय और लेता है A7 2018 फुल चार्ज होने में। तो लगभग 140 मिनट के बाद A7 2018 भी हो चुका है फुल चार्ज। इस कंपैरिजन से ज्यादा आप ये समझिए कि ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है जिसमें आपको ये भी पता चल गया होगा कि A7 2018 जो कि फास्ट चार्जिंग के साथ नहीं आता है वो कितना समय लेगा 0 से 100% चार्ज होने में, और जो फास्ट चार्जिंग डिवाइस आते हैं सैमसंग के वो कितना समय लेते हैं। तो 8 प्लस ने लिया 100 मिनट और गैलेक्सी A7 2018 ने लिए 140 मिनट। तो यही था मेरा A7 2018 और 8 प्लस के बीच चार्जिंग टेस्ट। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में जल्दी ही अपलोड करूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।